मैं रमेश मीना, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, सहाचार्य हिंदी। आज का विषय बहुत सामान्य विषय है, लेकिन विशेष भी है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। और जब से हमने पढ़ना लिखना आरंभ किया होगा, तभी से शुरुआत हो जाती है निबंध, निबंध लेखन। निबंध लेखन की हम शुरू से अंत तक, निबंध क्या है, निबंध का अर्थ क्या है, अर्थ और परिभाषा, और अंत में फिर हम एक निबंध का विश्लेषण करेंगे। तो आपके लिए ये एक अच्छी जानकारी होगी कि हम अक्सर महाविद्यालय या स्कूलों में निबंध लिखने के लिए, विशेष तौर से प्रतियोगिताओं या वर्ष भर किसी न किसी विषय पर निबंध लिखवाए जाते हैं। साहित्य में निबंध भी एक विधा के रूप में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी ही नहीं, चाहे वो कॉमर्स का हो या आर्ट्स का या साइंस का, सभी निबंध लिखते हैं। और निबंध की शुरुआत तब से हो जाती है जब हम पहली क्लास में होते हैं, या जब हम लिखना आरंभ करते हैं, तब सबसे पहले हमें सुनाई देता है कि गाय का निबंध लिखिए। और गाय का निबंध जितना आसान होता है कि एक चित्र हम अपने दिमाग में बसाते हैं, उस चित्र को देखते हुए हम उसका वर्णन कर देते हैं और गाय का निबंध तैयार हो जाता है। तो सभी परिचित हैं इस अर्थ में कि निबंध क्या होता है। और निबंध की जब भी बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि निबंध और गाय दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। निबंध की शुरुआत ही गाय से हुई, यानी पहला निबंध सभी बच्चों ने गाय पर लिखा होगा, लेकिन ये प्राथमिक निबंध हुआ, यानी प्राथमिक विद्यालय में या प्राथमिक छात्रों के लिए। और निबंध वो तो शुरुआत है, निबंध का अंत नहीं होता। निबंध लेखक भी लिखते हैं, निबंधकार कहलाते हैं वो। तो निबंध कई तरह के होते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ। निबंध सिर्फ गाय पर लिखा जाता हुआ निबंध नहीं होता, निबंध की कई वैरायटी होती है, कितनी ही विविधता हो सकती है, किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इन सब बातों पर अभी हम विचार करने वाले हैं। और उदाहरण के लिए जो पाठ्यक्रम में शामिल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज, इस निबंध पर केंद्रित होंगे। मूल उद्देश्य तो हमारा ये निबंध है, लेकिन आज हम प्रयास ये करेंगे कि निबंध को मेथोडोलॉजिकल दृष्टि से किस तरह से देखा जाता है, वो सब देखने का प्रयास करते हैं। व्याख्यान सुनकर के आप परिचित हो सकेंगे उस पद्धति से कि जिस निबंध को हम लिखते रहे अब तक, वो किस तरह से बनता है, उसकी पद्धति क्या है। निबंध का अर्थ और परिभाषा, तत्व, प्रकार, जिस तरह से कहानी, उपन्यास और नाटक के होते हैं, कविता की भी होती है, इसी तरह से निबंध की निश्चित एक मेथोडोलॉजी होती है, और इसे परिभाषा में बांधने का भी प्रयास किया है। ये सब व्याख्यान सुनकर के छात्र जान सकेंगे। और हिंदी के निबंधकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या स्थान है और किस अर्थ में, तो इनका एक निबंध है धर्म और समाज, जिसकी चर्चा हम विशेष तौर से करेंगे। फिलहाल हम ये जान लें कि निबंध क्या है और इसे परिभाषा में बांधने का विविध विद्वानों ने प्रयास किया है। जैसे निबंध कोई भी लिख सकता है, जब लेखक किसी भी निबंध में अंततः अपने आप को ही प्रस्तुत करता है, यानी जो ही विचार उस विषय का आता है, उस विचार को लेकर के लेखक के अंदर मंथन चलता है और वो
जितना कुछ जानता है उस विषय को लेकर के अपने आप को प्रस्तुत कर रहा होता है। जैसे आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें भी एक निबंध होता है। विशेष तौर से वो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जो प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हुए अखबार के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अखबार क्या होता है, और संपादकीय पृष्ठ जो होता है उसमें एक निबंध आता है, और वो तत्कालीन विषय पर, अभी जो कुछ चल रहा है घट रहा है उसी पर आधारित होता है, यानी तुरंत बनाया हुआ। और इस तरह के विद्वान हमारे बीच में हैं, तो ये पहले से चली आ रही है कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है। यानी गद्य लेखन जो करते हैं और जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं उसमें से निबंध लेखन एक तरह से उस गद्यकार की भी कसौटी होती है कि वो किस तरह से अपने आप को एक विषय में प्रस्तुत कर पाता है, विचारों को किस तरह से केंद्रित कर पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गद्य की इस श्रृंखला में निबंध एक खास व महत्वपूर्ण विधा है। विचारों का निबंधन होता है और शब्द की उत्पत्ति नी प्लस बंद प्लस ल्युट, जिसे संस्कृत में कहते हैं निबंधे तेनानस्मिन वा, ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन होता हो, बंधे हुए विचार आते हो, जो किसी एक विषय पर केंद्रित होकर के सूत्रबद्ध प्रस्तुत कर सके, इसे हम कहेंगे विचारों को शब्द में बांधना। यानी जो विचार या जो विषय हमें मिला है उसको हम अपने शब्दों में किस तरह से बांध करके प्रस्तुत करते हैं, या उन विचारों को कसना, विषय विशेष पर केंद्रित होना, या उस लेखक का उस विषय से कितना लगाव है, आसक्ति, साहित्यिक रचना और संग्रह ग्रंथ आदि। शाब्दिक अर्थ में निशेष बंद या कसा हुआ बंद, वह रचना रूप जिसमें कसाव हो, विस्तार में कसाव या लागव, भावों और विचारों में कसाव होना। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जहां विचार ठूस ठूस कर भरे हो, कहने का आशय ये कि कल्पना नहीं बल्कि विचारों की प्रबलता होती है। अब हम देखें कि निबंध केवल हिंदुस्तान में नहीं लिखे जाते, हर भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए निबंध की परिभाषा हम अलग अलग तरह के विद्वानों के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेजी चिंतन में अर्थ रहा है इसका प्रयास, प्रयोग और परीक्षण, ये अंग्रेजी चिंतन से निकल करके आता है। यानी सबसे पहले लेखक सोचता है सप्रयास, फिर पूरी कोशिश करता है, प्रयोग भी करता है, कुछ प्रयोग विचारों के द्वारा या जो चला आ रहा विचार है उसमें कितना वो नया कर पाता है, और चले आ रहे विचारों का एक तरह से परीक्षण। इस तरह से हम कह सकते हैं पश्चिमी विचारक मन की मुक्त भटकन कहते हैं, कुछ इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं, एकांत भाषण मानते हैं। भारतीय इसे व्यक्तिगत कसाव पर जोर देते हैं। संस्कृत में निबंध का भिन्न अर्थ है, सूत्रमय शैली में भाव गुंपन की कला है, हिंदी में मुक्त मनोदशा का उद्गार है। यानी जो लेखक होता है वो उसकी मनोदशा किस तरह की है उस तरह से वो अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में निबंध के अर्थ हुए प्रस्ताव, संदर्भ, प्रबंधन, लेख, रचना आदि, इनमें भी अंतर होता है। जैसे प्रस्ताव का अर्थ सीमित होता है, संदर्भ में विशिष्ट विषय से संबद्ध विचार तक सीमित है, रचना जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, उसे हम रचना कहते हैं जो गद्य और पद्य में होती है।
संस्कृत का प्रबंधन आख्यान के लिए रूढ़ हो चला है। निबंध के प्रवर्तक फ्रांसीसी लेखक कहलाते हैं, जिनका नाम है मांतेन रे। वो किस तरह से इसे परिभाषित करते हैं, ये मेरी उन्मुक्त कल्पनाएं हैं, जिनके द्वारा मैं किसी तथ्य की गवेषणा का दावा नहीं करता, केवल अपने आप को खोल कर रख देता हूं। जो हम पहले कहते आ रहे हैं वही बात है कि लेखक अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए शब्दबद्ध लेखनी चलाता है। यहां आत्माभिव्यक्ति ही मुख्य वस्तु है, वे अपने व्यक्तित्व का चित्र भी कहते हैं। डॉक्टर जॉनसन दो कदम आगे बढ़ते हुए कल्पना और आवेग से जोड़ देते हैं। निबंध को मस्तिष्क की शिथिल विचार तरंग कहते हैं, जो क्रमहीन, अपरिपक्व, अपरिचित और अनियंत्रित है, चिंतन की अपूर्ण और अनियमित रचना है। लेवी की दृष्टि से निबंध का अर्थ ऐसा लघुकाय शिथिल बंध जिसमें दार्शनिक एवं सामाजिक किसी विषय पर वैयक्तिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। हेनरी मोरले निबंध में वैचारिक विशेषण प्रमुख गुण मानते हैं। दूसरी तरफ अबोम्स सामयिक विषय पर हल्के फुल्के लेख की संज्ञा देते हैं, यानी कुछ इस विषय को गंभीर बना देते हैं। तो जैसे अम्बोर्स कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हल्की फुल्की, जैसे कभी भी कोई विचार आया और उस पर हम लिखने लग गए, वो भी निबंध बन जाता है। जीपी प्रेस्टले निबंध मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति है। ये इस परिभाषा के तहत भी हम कह सकते हैं कि अंततः वो व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, जो उसका व्यक्तित्व है वही उभर करके उसमें आता है। पाश्चात्य विद्वान एक तरफ वैयक्तिकता, काल्पनिकता, वैचारिकता, तो दूसरी तरफ असंबद्धता, उच्छृंखलता एवं हल्केपन से युक्त भी बतलाते हैं। इसके इतर हिंदी में निबंधकार जो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, इन्होंने काफी प्रौढ़ रचनाएं दी है। आधुनिक निबंधकारों की दृष्टि में श्रेष्ठ निबंध वह है जिसमें विचार ठूस ठूस कर भरे हो, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल कह गए। अब हम देखते हैं हिंदी के निबंधकार किस तरह से इसे परिभाषा में बांध सके। बाबू गुलाब राय, किसी विषय का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो, यानी उसमें विद्वत्ता भी झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सबको पता है वही वो बता रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं जो आम आदमी को पता नहीं, उनका ज्ञान का वर्धन भी होता हो। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, निबंध उस गद्य रचना को बताते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक किंतु एक विशेष सौष्ठव, सजीवता एवं वैयक्तिकता के साथ साथ भावों, विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में, हमने देखा था कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, अच्छे निबंधकार रहे, वो क्या कहते हैं, निबंध कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो, संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो, यानी आकार की एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको लंबा खींचते चले जा रहे हैं उपन्यास की तरह, उसकी सीमा कहानी की तरह होनी चाहिए। निबंध के प्रमुख उद्देश्य भी होते हैं, लेखक का व्यक्तित्व प्रकट होता है, निबंधकार विशिष्ट दृष्टिकोण से विषय का प्रतिपादन करता है। निबंध का मूल तत्व है अपील, कि वो पाठक को अपील करता हुआ दृष्टिगोचर होना चाहिए, जिसका असर पाठक पर पड़ता हो, पाठक उससे प्रभावित हो। निबंधकार लेखन में उदाहरण, उक्तियों, महावरों द्वारा अपने मंतव्य से पाठक को संतुष्ट करने का प्रयास करता है।
वर्तमान समय गद्य का है, मध्यकाल काव्य का रहा है, वर्तमान में तकनीकी, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे मोबाइल क्रांति, व्हाट्सएप, फेसबुक के दौर में इनका कितना और कैसे उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हम रोज देखते हैं, रोज लिखा जा रहा है। तो ऐसे में निबंध के निम्न दो प्रकार बताए गए हैं, विषय प्रधान और अभिव्यक्ति प्रधान। अभिव्यक्ति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। निबंध क्या है? निबंध एक कला है जिसे कलाकार साधता है, साधना के द्वारा, और फिर उसे कलमबद्ध करता है। लेखक के मन की तरंग वो उसका व्यक्तित्व है, यानी अंततः लिखने का वाले का व्यक्तित्व निबंध में झलकता हुआ दिखाई देगा। निबंध के विषय और क्षेत्र की कोई सीमा नहीं, आप जिस पर भी लिखना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। जब तक लेखक उसके बारे में नहीं जानता, नहीं लिख सकता। तो लेखक जिसे जानता है, अच्छी तरह से परिचित है उस क्षेत्र के बारे में, उस विषय के बारे में, वो लिख सकता है। हिंदी साहित्य कोश किसी भी साहित्य रूप को सर्वांग परिभाषा में बांधना जटिल है, इसलिए निबंध की विशेषताओं पर गौर किया जाना उचित रहेगा। क्या विशेषताएं हैं इनकी? निबंध में वैयक्तिकता, आत्मनिष्ठता प्राण तत्व है, जिसे हम अलग अलग परिभाषाओं में देखते हुए आए, वो खास करके कुछ शब्दों में हमें निष्कर्ष रूप में सामने आता है। निबंध में विचारों और भावों की कसावट एक तरह से आत्मा की तरह है। संगठित विचारों की एकात्मकता एवं अनवित ही निबंध को प्रौढ़ता प्रदान करती है। निबंध के निम्न प्रकार है, अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम गिनाते हैं। बाबू गुलाब राय चार बताते हैं तो सीताराम चतुर्वेदी पांच वर्गों में बांट देते हैं। प्रमुख रूप से दो ही है, विषय और अभिव्यक्ति के आधार पर, विषय प्रधान और आत्म प्रधान। निबंध विधा का उद्भव एवं परिस्थितियां क्या रही तो हम देखेंगे। निबंध विधा पुनर्जागरण की देन रही है। पुनर्जागरण काल में निबंध लिखा जाता है, और यूरोप में पुनर्जागरण वही भारत में नवजागरण कहलाता है। यानी इससे पहले गद्य नहीं था, पहले काव्य रूप था साहित्य का, जिसमें कवि कविता किया करते थे। गद्य बहुत बाद की चीज है, और गद्य से ये कहें कि आम जन भी जुड़ जाता है, और वो आंदोलन की देन रहा है। भारतेंदु युग हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कहलाता है। गद्य इसी दौर में लिखा जाता है, और गद्य ये कहें कि निबंध में लिखा जाता है। निबंध में विचार व्यक्त किए जा रहे थे, देश नवजागरण ये कहें कि पहले हम सोए हुए थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हम गुलाम थे, विदेशी आक्रांता यहां आए, शासन किया, फिर अंग्रेज आए, फिर गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी से मुक्ति के लिए हम आवाज जब उठाते हैं, वो उसको सुर देने का काम निबंध करते हैं। निबंधों में कई तरह के विषय उठाए गए, और अंततः वो हमें आजादी के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारतेंदु युग हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल रहा, इसमें अधिकांश निबंध लिखे गए। वस्तु रूप की अनेकता, स्वच्छंदता और सहजता जैसी इस युग में रही, वैसी बाद में नहीं मिल सकी। बाद में यानी दूसरा दौर जो चला महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उससे भी ज्यादा बेहतर ये पहला दौर रहा। स्वतंत्रता की चेतना निबंध का प्राण रहा है। ये मैनेजर पांडे जो आलोचक रहे हैं, इनका विचार है ये, और ये सही है कि हम भी उस वक्त नवजागरण में स्वतंत्र होने की चेतना से उत्प्रेरित होकर के आंदोलनरत थे। वो भाव अंदर
लेखकों में जगह और लेखकों ने इस तरह के निबंध लिखे, जिसके लिए जिसे जिस काल को हम नवजागरण काल कह रहे हैं, ये इस इन विषयों में प्रस्फुटित होता है। तो स्वतंत्रता की चेतना यहां पाई जाती है। और दूसरा इसे कहें जिंदा दिली, ये खास विशेषता रही। कैथरीन क्लार्क निबंध का आरंभ और अंत मानववाद के आरंभ और अंत से जुड़ा हुआ कहते हैं, क्योंकि निबंध विधा में वर्तमान एवं तात्कालिक चेतना देखी जा सकती है। विचारों का सर्वोपरि होना प्रमुख गुण है। भाव और शिल्प की स्वतंत्रता से ही निबंध का रूप निखरता है। स्वतंत्रता और मानववाद, यानी आदमी जब शिक्षित होगा तो वो गुलाम नहीं रह सकता, वो अंत तक गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा। स्वतंत्रता की चेतना इस तरह से गद्य में निबंध के द्वारा हमारे सामने आती है। इस तरह से पुनर्जागरण की सांस्कृतिक विशेषता रही है निबंध। तो पहला दौर जो निबंध का कहा गया वो था भारतीय युग, जिसे निबंधकारों का युग कह सकते हैं। आधुनिकता का आरंभ गद्य से होता है, वो गद्य निबंध में लिखा जा रहा था। निबंध के विविध विषय रहे, जैसे समाज सुधार, उस वक्त अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, अशिक्षित था, गुलाम था, इसलिए राजनीतिक चेतना उस वक्त निबंधों के द्वारा प्रस्फुटित होती है। धर्म, आर्थिक दुर्दशा और राष्ट्रीय चेतना, ये प्रमुख विषय उस दौर के रहे। भारतेंदु के अलावा प्रमुख निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल इन दोनों के बारे में लिखते हैं, हिंदी के स्टील और एडिसन हैं ये, यानी अच्छे खासे निबंधकार थे। इन्होंने निबंधों में अपनी बात को रखी और इस तरह से नवजागरण की चेतना जागृत होती है। ये दोनों आत्मव्यंजक निबंधकार कहे गए। अन्य में प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इस दौर में कुछ पत्रिकाएं जिसमें ये प्रकाशित हुआ करते थे, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, राधा चरण गोस्वामी की भारतेंदु नाम से एक पत्रिका थी जो प्रकाशित होती थी और इस तरह की रचनाएं उसमें आती थी जिसमें निबंध भी प्रकाशित हुए। भारतेंदु युग के निबंधों का उद्देश्य रहा है उपदेश, हास्य व्यंग, आह्वान, व्याख्या द्वारा जनता को शिक्षित करना रहा है। जैसा कि हम बतला रहे थे कि आखिर ये निबंध अंततः पाठकों को जागृत करने का काम करते हैं। भारतेंदु के विषय इतिहास, कला, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, भाषा और साहित्य रहा है। यात्रा वृत्तांत जब कहा जाता है तो भारतेंदु की उम्र ज्यादा नहीं रही, 4 दशक ही रही, लेकिन उन्होंने घूम घूम करके पूरे देश को देखा और जो कुछ देखा वो तो उन्होंने कलमबद्ध किया। इस तरह से यात्रा वृत्तांत भी उनका खास महत्व रखता है। प्रताप नारायण मिश्र के विषय किस तरह के थे देखिए, धोखा, खुशामद, दांत, भौं, आप, नारी, परीक्षा, है, द, समझदार की मौत, यानी इस तरह के भी विषय रहे। है लिखकर के उन्होंने पूरा निबंध लिख दिया। दांत और मुंह पर भी निबंध लिख दिया। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों के विषय देख सकते हैं, बाल विवाह, उस वक्त बाल विवाह हुआ करते थे, यहां तक कि कोख में भी अगर बच्चा बच्ची है ये भी पता नहीं है तो अगले से ये वादा कर लिया जाता था कि अगर मेरे लड़का हुआ और आपकी लड़की हुई तो शादी तय, या मेरे लड़की हुई और आपके लड़का हुआ तो भी, तब नहीं जब दोनों के लड़का हुआ। तो इस तरह से एक मजाक की तरह था है, लेकिन यह हकीकत थी कि बाल विवाह हुआ करते थे। और आज भी, अभी भी एक दिन समाचार बना था इसी बात का कि भीलवाड़ा में और कुछ इलाके अभी भी देश भर में है जहां बाल विवाह हो रहे हैं। तो उस वक्त तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बाल विवाह, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो उम्र बढ़ाई गई, तो पता चला कि उस वक्त उम्र बढ़ाने का विरोध किया गया और 10 वर्ष की गई उसका भी विरोध किया गया, बोला इतनी लेट विवाह कैसे करेंगे। बल्कि ये सुनने को मिलता था कि अगर लड़का
ज्यादा उम्र का हो रहा है तो ये कहते हैं कि दूल्हा तो बूढ़ा है, ये सुनने को मिलता था। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाल विवाह एक प्रमुख समस्या थी जो अभी भी दिखाई दे रही है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, उस वक्त स्त्री शिक्षा का सवाल ही नहीं था, बहुत मुश्किल से कुछ ही महिलाएं शिक्षित हो पाती थी। राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, देश सेवा का महत्व, भट्ट जी ने साहित्य संबंधी निबंध भी लिखे। अपने को व्यक्त करते हुए जो लिखा है, महत्वपूर्ण मन पड़ा है, नए तरह का जुनून, ईश्वर भी क्या ठटोला है, देवताओं से हमारी बातचीत आदि, इस तरह के विषय उस दौर में भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा शैली भावात्मक से लेकर विचार प्रदान शैली रही। इतिवृत्तात्मकता से राष्ट्रीय जागरण तक अभिव्यक्ति की किसी भंगिमा से अछूता नहीं रह सका ये काल। अन्य विधाओं से अधिक सजग निबंधकार रहे, यानी दूसरी जो विधाएं थी वो विधाएं इतनी आकर्षक नहीं रही जितनी निबंध रहा, या ये अपील करने वाला विधा रही जो पाठकों को जोड़ सकी। इस युग को निबंध व निबंधकारों की दृष्टि से पहचाना जा सका है। निबंध को इस तरह हम देखेंगे कि दूसरा दौर आता है द्विवेदी महावीर प्रसाद युग में भी निबंध लिखे गए, लेकिन इस युग की तुलना भारतेंदु से की जाती है। भारतेंदु युग में इस निबंध की, निबंध विधा की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, व्यक्ति व्यंजक निबंध सर्वोपरि रहे। द्विवेदी काल में ज्ञान के विविध क्षेत्रों में निबंध लिखे गए, सामग्री संचयन की प्रवृत्ति रही। और इस दौर के मुख्य निबंधकार थे गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूरण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ला आदि। द्विवेदी महावीर प्रसाद निबंधकार भी रहे। उनके निबंध थे परिचयात्मक, आलोचनात्मक, व्यंगों में आंतरिक भावना उजागर होती है। आपके निबंध रहे आत्मनिवेदन, प्रभात म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, व्यक्ति व्यंजना के उदाहरण कहे जा सकते हैं। अन्य निबंधकारों में गोविंद नारायण मिश्र, संस्कृत निष्ठ पांडित्यपूर्ण तत्संप्रदान समास बहुला दीर्घ वाक्य में लिखने वाले, शुक्ल इनके निबंध के लिए कहा है सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अठाला, यानी व्यंग में उन्होंने इनके बारे में लिखा। बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र में लिखा करते थे, शिव शंभू के चिट्ठा से प्रकाशित हुए, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को केंद्र में रखकर व्यंग लिखा है इन्होंने निबंध में। बाल मुकुंद गुप्त जो गवर्नर जनरल उस वक्त लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, उनको इस तरह से अपने निबंधों में व्यंग के रूप में ढाल करके लिखा ताकि ये जनता जान सके कि उनके किस चीज की जरूरत है। जैसे सरदार पूरण सिंह, ये विशेष उल्लेखनीय है, इन्होंने 6 निबंध लिखे, वो श्रेष्ठ निबंधकार होने का दर्जा इनको मिला। ये इतने कम निबंधों से अपनी पहचान बना लेते हैं और उल्लेखनीय निबंध कहलाते हैं, जिसमें से कुछ यहां दिए गए हैं, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान आदि विषयों पर लाक्षणिक शैली में लेखन किया है। सरदार पूर्ण सिंह पर न केवल उनके गुरु राम तीर्थ अपितु अन्य कई विद्वानों का, उस दौर के जो अंग्रेज विद्वान थे इमर्सन, टॉलस्टॉय, कार्लाइन, थोरो का भी प्रभाव देखा जा सकता है जब उनके निबंध पढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके कृतित्व से हम परिचित होंगे, ये वैसे पुरातत्व के विद्वान कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहानी और निबंध लेखन में भी ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भाषा जैसे नीरस विषय का सरस पांडित्य का संयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ता है बाद में चल करके। इस तरह का श्याम सुंदर दास समाज और साहित्य और कर्तव्य और सत्यता के साथ, सूरदास, तुलसीदास हमारी भाषा जैसे निबंधों में विचारों का विश्लेषण के बीच थे, जो आगे चलकर शुक्ल में दिखाई देते हैं। हम जिन्हें
रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास से अच्छी तरह से परिचित है। जो हिंदी साहित्य पढ़ता है इतिहास जरूर पढ़ता है, और उनके निबंध भी बहुत मशहूर हुए जो भावों पर आधारित है। ये आरंभ भाषा एवं व्यक्ति चरित्रों पर लेखन से करते हैं, पहले अंग्रेजी से अनुवाद भी करते हैं, और फिर बाद में चल करके जिससे इनका पहचान होती है मनोवैज्ञानिक निबंधकार के रूप में, इनके निबंधों की विशेषता भय, क्रोध, लोभ और प्रीति, श्रद्धा भक्ति, ईर्ष्या, घृणा, करुणा और उत्साह, इस तरह के भाव प्रधान विषय रहे जिसमें ये गंभीरता से लेखन करते हैं। निबंध के युग प्रवर्तक कहलाते हैं। व्यक्ति व्यंजक निबंधों में विषय की उपेक्षा देखी जाती है या ऐसा नहीं हुआ। विषय की गहराई में मन भावों की तहों तक अंतरंगता से पड़ताल की है। द्विवेदी युग के विषय आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन, राष्ट्रीय समस्याएं जैसे समाज की हीनावस्था विषय केंद्र में रहते हैं। निबंधकार गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्हें हम आज जिनके निबंध पर विचार करने जा रहे हैं, धर्म और समाज, ये निबंध का विषय रहा। और इनके विषय से ही हम विषय को सुनते ही सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, और समाज में ही धर्म हमें कई तरह से अनुभूति होती है, परिलक्षित होता है। लेकिन इसको हम किस तरह से व्यक्त करते हैं और किस तरह से प्रभाव डालता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम उनके अन्य निबंध रहे कछुआ धर्म, मारे से मोई कुठाओ और धर्म और समाज, जिसकी चर्चा हम करेंगे। पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के साथ व्यंग परक भाषा में पांडित्य की छाप देखी जा सकती है। भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित रही, शैली भी उनकी विशिष्ट रही। आपका निबंध है धर्म और समाज। समाज के लिए धर्म आवश्यकता है, क्या समाज में धर्म की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों किया गया? क्योंकि वो चूंकि इसी विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो कई तरह से विचार किया जाता है। जब निबंध किसी भी विषय पर लिखा जाएगा, उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है ये स्पष्ट हो जाती है जब हम निबंध पूरा पढ़ लेते हैं। तो उनके सामने सिर्फ भारतीय समाज ही नहीं था, भारतीय समाज को ही वो केंद्र में नहीं रख रहे, बल्कि भारतीय धर्म को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब ये निबंध लिख रहे थे तब यहां अंग्रेजों का शासन था, और बहुत सी रचनाओं का अनुवाद किया गया, उपन्यास अनुवादित हुए, निबंधों का भी अनुवाद हुआ। तो इस तरह से जब अंग्रेज यहां शासन करते हैं और ऐसे में वो शासक रहे और हम गुलाम रहे, तो हर विद्वानों ने ये अपने आप को आत्ममंथन किया, अपने गिरेबान पे झांक करके देखा कि आखिर हमारी कमियां कहां हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सक्षम है, अगर सक्षम होते तो गुलामी क्यों होते, तो कहीं कहीं कोई कमी तो रही है। बेशक बाहुबल में शक्ति के बल पर युद्ध में विजेता हुआ जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ है तो इसके पीछे निश्चित कारण थे। लेकिन हम यहां ये देखेंगे कि समाज संचालित होता है धर्म से। समाज कहने का मतलब उससे कोई तस्वीर साफ नहीं होती, समाज बिना धर्म के, संस्कृति के नहीं चल सकता। तो भारतीय समाज को धर्म प्रदान कहा जाता है, तो इसी को लेकर के यहां विषय रखा गया है
समाज के लिए धर्म आवश्यकता के रूप में है। अगर प्रारंभिक समाज होगा या आदिकालीन समाज होगा वह धर्म दिखाई नहीं देगा। धर्म धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होते हुए वो कई तरह से आज जिस तरह से हम देखते हैं ग्रंथों के रूप में सामने आता है, वेदों पुराणों उपनिषदों में, गीता में दृष्टिगोचर होता है और व्यक्ति एक धर्म प्राण कहलाता है, धर्म भीरु कहलाता है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि उस धर्म का प्रभाव समाज पर पड़ता है। धर्म से समाज मजबूत होता है, सक्षम होता है, कर्तव्य परायण होता है। समाज में क्या क्या तब्दीलियां आती है? अगर धर्म नहीं होगा तो स्वच्छंदता हो जाएगी, उच्छृंखलता हो जाएगी, नैतिकता नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कई तरह के सवाल उठेंगे अभी हम देखते हैं। पूर्वी सभ्यता धर्मोन्मुखी रही है, ये कहें कि पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता दो भागों में बांट करके देखते हैं। हम पूर्व के यानी एशिया में पूर्व की तरफ है हम, और पाश्चात्य देश यूरोप जहां से चल करके अंग्रेज यहां आए और हमें गुलाम बनाए रखे। तो इस तरह से हम धर्म की पड़ताल करते हैं। तीसरा बिंदु जो आता है कि पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि पश्चिम धर्म के प्रति उदासीन दिखाई देता है और भारतीय धर्म धर्मोन्मुखी। तो ये धर्मोन्मुखी होने का हमें किस तरह से क्या क्या हासिल हुआ वो हम देखेंगे इस निबंध के माध्यम से। धर्म मत से उन्मुक्त होकर समाज ने बड़े बड़े विद्वानों और संशोधकों के साथ वह सलूक किया जो लुटेरे मालदारों के साथ करते हैं। यानी धर्म कहने का मतलब धर्म के कुछ परिणाम भी आए। परिणाम क्या है? धर्म का बहाना लेकर के, धर्म को नाम लेकर के कई जगह कई तरह से गलत कृत्य भी हुए। तो इस तरह हम देखेंगे कि आखिर जैसे 50 वर्षों तक यूरोप युद्धोन्माद में रहा, यानी आखिर यूरोप धर्म से उदासीन क्यों हुआ? उसके पीछे कुछ कारण थे। यानी कुछ मठाधीश जो हो जाते हैं वो उनका व्यक्तित्व में धर्म कितना रहता है और धर्म का बहाना लेकर के दुष्कृत्य अगर करने लगते हैं तो दुष्कृत्य में गिनती इस तरह से होती है कि यूरोप में देखा यह गया कि लगभग 50 वर्षों का दौर ऐसा रहा जिसमें धर्म का नाम लेकर के युद्ध किए गए। और आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो पता चलेगा कि युद्ध होने के पीछे दो कारण थे। एक धर्म रहा, जैसा कि ये 50 वर्ष बता रहे हैं। दूसरा स्त्री, राजा को अगर कोई भी कहीं भी कोई स्त्री पसंद आ गई तो उसे कहा जाएगा कि यह हमें दे दी जाए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। बस युद्ध इसी बात पर हो जाएगा, युद्ध के लिए बहुत बड़े कारण नहीं रहे। या दूसरा उनकी आकांक्षाएं, विश्व विजेता होने की, सिकंदर की तरह, चाहे वो छोटा ही राजा क्यों ना हो, हर कोई सिकंदर की तरह था उस विरासत उस रियासत का जो दूसरी रियासत को भी अपने में मिलाना चाहता है। लेकिन ये जैसा इस्लाम का सलूक ईसाइयों के साथ भी कुछ इसी तरह का था। चलिए हम उद्धृत करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी धर्म और समाज में ही लिखते हैं कि उसे जाने दीजिए क्योंकि वह भिन्न धर्म था। भिन्न धर्म किसके बारे में? इस्लाम का सलूक ईसाइयों के साथ ठीक नहीं था, तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए ईसाई पराया थे, तो पराये के साथ तो कुछ भी किया जा सकता। वो लिख रहे हैं कि उसे जाने दीजिए क्योंकि वह भिन्न धर्म था। ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, एक दूसरे के साथ जैसे जैसे अत्याचार और अमानुषिक बर्ताव किए
उन पर अब तक यूरोप का इतिहास रुधिर के आंसू बहा रहा है। यानी कहने का आशय यह है कि ऐसा नहीं है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से युद्ध करते हो, इस्लाम ने ईसाइयों के साथ किया या अंग्रेजों ने यहां आकर के हिंदुओं के साथ किया, लेकिन ईसाई जो दो धर्म में विभाजित है, दो शाखाएं, दो धाराएं हैं उनकी, वो भी आपस में लड़ते रहे। तो इस तरह से यूं नहीं कह सकते कि केवल एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ता हो। पूर्व में भारत भी पश्चिम की तरह रह चुका है, मतलब यानी पश्चिम में जो हुआ ऐसा इतिहास में अगर देखेंगे तो भारत में भी ऐसा कई वाकये हुए जहां धर्म को लेकर के लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धर्म इतिहास में अशांति का कारण रहा है, ये पाया गया है और इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म को लेकर के किस तरह से ये दंगे फसाद भी हुए। धर्म और शिक्षा में अंतर किया जाता है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, धर्म के लिए शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, जब रूढ़ियों में तब्दील हो जाता है, पूजा पाठ में तब्दील हो जाता है, तंत्र मंत्र में लिपिबद्ध हो जाता है, तो उसके लिए ज्यादा शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो धर्मात्मा कहलाया कहला सकता है। इस तरह से जब यूरोप में जाकर के भारतीय शिक्षित होने लगे तो शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ, उससे परिवर्तन आता है। भारत में धर्म का प्राधान्य रहा, धर्म के बिना सुख भी त्याज्य रहा है। कहने का आशय यह है कि धर्म को हासिल करने के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता। उसके लिए उसका सुख, जैसे उदाहरण के लिए जब ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति त्यागी होगा, जो व्यक्ति तपस्या करेगा, इसे क्या हासिल करता है? अंततः धर्म को हासिल करता है, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। तो वो सुख को त्याग रहा होता है, सुख को तिलांजलि देकर के ही वो कुछ हासिल करता है। तपस्वी अपने सुख को त्यागेगा तभी तपस्या करेगा। और ये छात्र के लिए भी कहा गया है कि अगर वो नींद लेता रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? जो पढ़ाई करेगा उसे नींद को छोड़ना ही पड़ेगा। पता चला कि आज तो मूड हो रहा है कि फिल्म देखने जाए, तो मूड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी त्यागना पड़ेगा, आपका मन जो चाहता है उसे रोकना पड़ेगा और कई घंटे बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। तो सुख को तिलांजलि देनी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए। तो उसे धर्म को हासिल करने के लिए सुख को भी त्यागा जा सकता है। और ये भारत में देखा गया है कि धर्म सर्वोपरि रहा, उसके लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ने में देर नहीं लगाई। कम से कम सुख को वो महत्व तो नहीं देते थे, सुख को कभी भी तिलांजलि दे देंगे। और ये कहा जाता है कि इससे पहले जब अंग्रेज यहां आते हैं, उस वक्त तक सांप्रदायिकता जैसा शब्द नहीं था, वो अंग्रेजों के आने के बाद यहां शामिल होता है। ये अंग्रेजों की देन कहा गया, जैसे मजहब, रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है, जिससे प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होता है। धर्म सर्वत्र स्वभाव व कर्तव्य के रूप में रहा है। अगर हम सही तरह से देखें तो धर्म का मतलब होता है स्वभाव। यानी हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव ये इस तरह का है कि वो कभी भी अग्रेसिव नहीं हो सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, गाली गलौच नहीं कर सकता, बल्कि सभी से प्रेम से मिलता है और अपना काम करता है जो भी धार्मिक कार्य होगा, तो उसका वो स्वभाव हुआ। तो स्वभाव में ही धर्म जब निहित होता है, और दूसरा कर्तव्य के रूप में, अगर आप अपना ही काम कर रहे हैं और ठीक से कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं, लगातार उसी काम को कर रहे हैं नियमितता के साथ, ईमानदारी के साथ, तो कर्तव्य को धर्म मान करके कर रहे हैं। यानी जो आदमी अपना काम काम को ही पूजा मान करके चलेगा उसे भी धर्म कहा जाएगा। तो धर्म कहने का मतलब यह नहीं है
कि केवल पाठ पूजा ही की जाए। धर्म वो भी है जो आपका काम क्या है, उस काम को दत्तचित होकर के कर रहे हैं और नियमानुसार कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, तो वो भी धर्म कहलाता है। इस तरह से कहने का आशय यह है, स्वभाव के लिए उदाहरण दिया है और ये निबंध में आया है। जैसे पेड़ का धर्म जड़ता, पेड़ खड़ा रहता है चाहे तूफान आए, बरसात आए, गर्मी हो या ठंड, वो खड़ा ही रहेगा, जड़ता यानी वो हिल डुल नहीं सकता। पशु का पशुता ऐसे ही मनुष्य का मनुष्यता है। जब हम ये कहते हैं कि पशु से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, पशु का धर्म क्या होगा, स्वभाव क्या होगा, पशु को आप ये देखेंगे कि सुबह से शाम तक 2400 घंटे वो एक ही काम करता है और ये काम है केवल चरना, हरी घास दिख जानी चाहिए या सूखा चारा भी होगा उसे चरता रहेगा, फिर बैठेगा, बागोल करेगा, चबाएगा और थोड़ी देर के लिए बैठेगा, बैठेगा तो भी वो चबा रहा होगा। अब ये गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पशु हर वक्त खाना पीना दो ही काम होते हैं उसके, तो वो उसका स्वभाव है, इसके अलावा वो कुछ दूसरा उसे उम्मीद नहीं कर सकते। पालतू बना करके आप उनसे हकाई जुताई कर सकते हो, ये तो हम कर रहे हैं जबरदस्ती, उसका स्वभाव नहीं है। तो ऐसे में जब पशु का धर्म भी है, पेड़ का भी अपना स्वभाव है, तो आदमी का है मनुष्य, अगर है तो वो मनुष्यता होना लाजमी है। और मनुष्यता किसे कहेंगे, इसकी लंबी चौड़ी परिभाषा हो सकती है। मनुष्यता का आधार बुद्धि है, बुद्धि की दो शाखाएं हैं, दो शाखाओं में क्या आएगी, कल्पना और विचार। यानी बुद्धि से ही कल्पना की जा सकती है, हर व्यक्ति की अपनी कल्पना होगी, हर व्यक्ति का अपना विचार होगा। जब भी कहते हैं कि विविधता में एकता, भारत में, भारत का एक खास गुण है या स्वभाव है कि हम विविध धर्मावलंबी रहते हैं, और अक्सर ये वक्तव्य सुनाई देता है विविधता में एकता है, यहां विविध धर्मावलंबी होते हुए भी एक होकर के रहते हैं, ये विशेषता है। लेकिन कई बार खंडित भी होती है, खंडित होती है, उसके पीछे भी वही कारण आता है जिसे हम धर्म कहते हैं। तो बुद्धि की दो शाखाएं हैं, कल्पना और विचार। कल्पना संदेहात्मक है, विचार निर्णयात्मक है। यानी सबसे पहले कल्पना उठेगी, कोई भी बात, हम हर वक्त हमारे मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर विचार को हम अनुसरण करें। जो कहते हैं कि आदमी का मन बेहद चंचल है, और इतना चंचल है कि वो कभी भी पल भर के लिए भी शांत नहीं रहता, जब सोता है तब सपने आते हैं, यानी सपने भी विचार चल रहा है, यानी शांत कब रहता है वो, जब ये कहेंगे कि उसको पूरी तरह से गहरी नींद आए जिसमें सपने भी ना आता हो। अभी मनोविज्ञान का विषय है कि सपने रात में आते हैं और सोते वक्त तुरंत सपने चालू हो जाते हैं, फिर गहरी नींद आती है, सुबह उठते उठते फिर सपने आने चालू हो जाते हैं। तो हम हर वक्त मन से क्रियाशील है, मन हमारा शांत रहता ही नहीं है, रहने भी नहीं देता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक निश्चित निर्णय लेना पड़ता है। यानी कल्पना जो भी आएगी, यानी पहला विचार आएगा, विचार के बाद 500 विचार आएंगे, और अगर हमने एक विचार भी निश्चित कर लिया तो उसके बाद उसे गिराने के लिए दूसरे विचार आएंगे, जब तक हम दृढ़ निश्चय नहीं होंगे। यानी दृढ़ निश्चय होने के बाद ही हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और अगर दृढ़ निश्चय है और उस पर आप लगातार चल रहे हैं तो सफलता हासिल होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बार बार आप रास्ता बदल रहे हैं कि बोला ये गलत रास्ते पर आ गया, वापस चलो उस चौराहे पे, चलो वापस दूसरे रास्ते पर चलेंगे, फिर थोड़ी दूर और चले, फिर लगा नहीं ये भी गलत रास्ता है, वापस चलो चौराहे पे,
तीसरे रास्ते पे चलेंगे तो पता चलेगा कि अगर पहले रास्ते पे चले होते तो बहुत आगे पहुंच चुके होते। तो इस तरह से पहले निश्चय करने में भले हम समय लें लेकिन निर्णय पक्का होना चाहिए। तो विचार जब आते हैं निर्णयात्मक, यानी पहले तो कल्पना होती है, कल्पना कई तरह की हो सकती है, विचार हमें एक निर्णय की स्थिति में लाते हैं। मनुष्य की पहचान है बिना संदेह किसी बात पर निर्णय नहीं हो सकता। अपनी कल्पना शक्ति से संदेह उठाकर पुनः विचार शक्ति से उसका निर्णय करने में समर्थ है वही मनुष्य है। यानी मनुष्य बताया कि मनुष्य कहने का मतलब है कि बुद्धि सर्वोपरि है। अगर वो मन से ही संचालित है तो कहीं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मन तो भटकाऊ का एक मुख्य कारण है, मन चंचल कहा गया है। इसलिए बुद्धि अगर है, बुद्धि से हम विचार करें तो सही जगह तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य बनने की एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। संसार में सिवाय असभ्य और वन्य लोगों के ऐसा कौन होगा जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं होगी जो उसको मनुष्य बनाता हो। तो कहने का आशय यह कि जो कुछ भी अभी हमने देखा सुना, लेकिन अंततः मनुष्य को मनुष्य बनाने में धर्म का भी आधार बनता है। धर्म अगर है तो हमें सहयोग करता है। धर्म को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, धर्म को सही अर्थ में, जब तक वो हमें और दूसरों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी हमें खुद भी सोचना होगा कि ऐसा धर्म नहीं जिसमें पता चला कि हमें नुकसान नहीं हो रहा लेकिन सामने वाले को नुकसान हो रहा है, फिर भी आप उस पर फॉलो कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं तो धर्मात्मा आदमी हूं। यानी आप कहें कि मनुष्यता जिसे कहते हैं बुद्धि से संचालित होती है, मनुष्य तभी कहलाओगे जब बुद्धि होगी और बुद्धि निर्णय लेगी। तो सबसे पहले कदम ये उठाना होगा कि धर्म पर ही हम चल रहे हैं। सभी लोग कहते हैं, दो धर्म वाले, तीन धर्म वाले, कई विविध धर्मावलंबी यहां रह रहे हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि हम सही है, ये तो गलत हो गया। यानी कहने का आशय ये कि आप भले ही धर्मात्मा है लेकिन उस धर्म से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए तो धर्मात्मा है, अन्यथा बुद्धि से विचार करेंगे तो यह निष्कर्ष निकल के आएगा कि वो धर्म नहीं हो सकता जिसमें मनुष्यता जीवित न रहती हो। इसलिए कहा गया है ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं होगी जो उसको मनुष्य बनाता है, किसको, जो असभ्य है। जब असभ्य थे, आदिमकालीन थे तब धर्म था ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते थे। आदिमकालीन मनुष्य और पशु समान थे, वो भी एक ही काम करते थे, शिकार। पशु दिन भर चरता है और शिकारी के रूप में आदि मानव हर चीज का शिकार करता था या खुद शिकार हो जाता था। सामने शेर आ गया, क्या करेगा, शेर झपट्टा मारेगा, मरना ही पड़ेगा। तो वो शिकार कर ले, जो भी बलवान होगा वो शिकार करेगा और अपना पेट भरेगा। ये उस दौर का एक तरह की विकास प्रक्रिया थी। आदमी धीरे धीरे विकास करते करते धर्म ईजाद करता है और धर्म ये बताता है कि जब हम असभ्य थे तब धर्म की जरूरत नहीं थी, धर्म था ही नहीं, ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं होगी, ये सामान्य धर्म है। तो विशेष धर्म क्या है, अब देखिए विशेष धर्म के तहत बताया गया है कर्तव्य अगर धर्म है तो यह आवश्यक तत्व है। जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसको धर्म समझ के ही करेंगे, यानी हमारा धर्म क्या है, हमारा काम ही धर्म है। यानी जिस तरह से पाठ पूजा करने वाले नियमित समय पर पाठ पूजा करते हैं या नमाज अदा करते हैं, तो उसी तरह से काम करते वक्त लेतलाली ज्यादा करते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। यानी उसमें भी दिखाई देना चाहिए कि कर्म या कर्तव्य जो कर रहे हैं वो उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि राजा है, यदि राजा को भी देखेंगे तो उसका राजधर्म होता है, वो राज जो करता है वो भी एक राजधर्म बना हुआ है, कुछ नियम कायदे बने हुए हैं कि राजा किस तरह से क्या क्या काम करेगा।
प्रजा का पालन करना उसका धर्म है। लेकिन पाया गया कि कुछ राजा इसमें सक्षम रहे, सफल रहे और अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया इस अर्थ में कि उन्होंने राजधर्म को सही तरह से निभाया। राजधर्म प्रजा है तो प्रजा धर्म, स्वामी का प्रभु धर्म, सेवक का सेवा धर्म और पिता जो परिवार को पालता है और पत्नी पुत्र स्त्री गृहस्थ और यति का यति धर्म, बगैर ये अपने धर्म का पालन न करे तो व्यवस्था न रहेगी। कहने का आशय ये कि गृहस्थ को गृहस्थी बसाने के साथ ही गृहस्थी का पालन करना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो गृहस्थ धर्म असफल होगा और वो असफल व्यक्ति फिर कुछ भी करेगा वो सारा कुछ गलत होगा। या तो गृहस्थी बसाओ ही नहीं, अगर बसा ली तो उसके नियम कायदे के अनुसार उसे अपना कर्म करना होगा। धर्म के महत्व को तैतिरीयारण्यक में कहा है, धर्मो विश्वस्य जगत है प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्टम प्रजा उपसर्पति धर्मेण पापम पदुत्तंति धर्मे सर्व प्रतिष्ठात्म। महाभारत में धर्म का निर्वचन हुआ है, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मेण विद्रता प्रजा, धर्म जो धारण किया हुआ है यानी जो धारण किया जाता है, हर पदार्थ जिसे धारण करता है वही उसका धर्म है। इसका हम समझ सकते हैं जैसे अग्नि का धर्म आग है, अग्नि यानी जो जलाती है वो देखने से लग रहा है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है यानी उसका स्वभाव। अगर जल है गहरा है तो वो पानी की प्यास, प्यास को पानी पी करके हम बुझा सकते हैं। इस तरह हम देखेंगे अग्नि का धर्म आग है, न हो तो वह वही न रह जाएगी। अगर आग जलाना बंद कर दे, पता चला कि हम चूल्हा जलाते हैं आग से, अब दूसरी बात है गैस आ गई, लाइट के चूल्हे आ गए, लेकिन एक दौर था अभी 10 साल नहीं हुए इस बात को कि चूल्हा जलाया जाता था आग से, तो आग अगर जलना ही बंद कर दे या आग का जो धर्म है वो न करे तो कैसा चलेगा। तो मनुष्य अगर मनुष्यता को जो धर्म है उसका, उसे भी उसी तरह से निभाना चाहिए जिस तरह से इनका स्वभाव है। तो अगर मनुष्य अपने धर्म यानी कर्तव्य पालन न करे, उसका भी एक कर्तव्य है, तो कर्तव्य हर व्यक्ति का अपना अपना होगा जो उसने बना लिया, जो काम उसने बना लिया। अब आप ये कहेंगे कि जैसे नदी के किनारे नहीं, समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी ये वो मछलियां खाते हैं। अब इधर वाले उत्तर भारतीय कहेंगे कि ये तो पापात्मा है, धर्म तो यहां दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो उनका धर्म है। इसलिए धर्म की परिभाषा भी बदल जाएगी, क्योंकि आपको यहां पर सुविधा है अन्य चीज खाने की, वहां सुविधा मछली है किनारे पर और सर्वाधिक है, तो उनके लिए वो बेहद जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर मनुष्य अपने धर्म यानी कर्तव्य पालन न करे तब गलत होगा, फिर केवल आकृति और बनावट उसकी मनुष्यता की रक्षा न कर सकती। उपनिषद और मनु, मनु ने धरत्यादि के 10 लक्षण बताए जिन्हें धारण कर कोई भी नास्तिक धर्मात्मा बन सकता है। गीता में श्रेयान स्वधर्मो, या धर्म का अर्थ ही है कर्तव्य का पालन करना। पश्चिम की शिक्षा, उसका प्रभाव, यानी पश्चिम से शिक्षित होकर के यहां जितने भी आए आंदोलनकर्ता, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये उधर से शिक्षित होकर के फिर उन्होंने ये कर्तव्य बनाया कि देश को आजादी दिलानी है। विकास की दौड़ में धर्म की सीमा हो, यानी विकास कितना विकास होगा, किस तरह से विकास करें हम, जिस तरह से आज विकास कर रहे हैं वो पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। तो कहने का आशय ये कि धर्म भी बदलता है रूप अपना, कि विकास है लेकिन विकास की एक सीमा होनी चाहिए। पश्चिम में धर्म की सीमा निर्धारित की जाती है।
उसका संबंध केवल उपासनालयों से रह गया, यह भी रविवार के दिन घंटे दो घंटे के लिए। यदि हमारी तरह वे भी विचार शक्ति को कल्पना शक्ति के अधीन कर देते तो आज उनको देश में विद्या बुद्धि का ये विकास, कला कौशल की यह उन्नति और उद्योग तथा व्यवसाय का ये प्रभाव देखने में नहीं आता। हमें धर्म का वास्तविक तत्व उन्हें समझाना चाहिए। कहने का आशय यह कि इसकी खास बात यह थी कि बहुत सारी बातें हमने कह दी, लेकिन खास महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय धर्म की कोई सीमा नहीं है। पाश्चात्य धर्म वालों ने यह किया कि उनकी एक सीमा निश्चित की कि धर्म उपासनालय तक सीमित रहेगा। हमारे यहां धर्म मंदिर तक सीमित नहीं, वो समाज तक, राजनीति तक, सब तरफ सर्वत्र व्याप्त है और इसका गलत असर भी जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां भी आपने वो काम क्रियाकलाप चालू कर दिए। यानी आप किसी भी धर्म से संबंधित हो तो आपका निश्चित स्थान जहां पर है मंदिर मस्जिद, वहां तक करने के बाद फिर अपना काम आरंभ होना चाहिए। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि पश्चिम ने जो विकास किया उसके पीछे कारण था कि उन्होंने धर्म की एक सीमा निर्धारित की और समय भी निर्धारित किया। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप बस पूजा पाठ में लग रहे हैं तो फिर दूसरा काम कब करेंगे। कहने का आशय यह है कि जितने भी उद्योग तकनीकी ईजाद की गई है पश्चिम से, ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आए पश्चिम से आए। क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने धर्म की एक सीमा निर्धारित की, समय भी निर्धारित किया कि आप समय विशेष में ये काम करेंगे, इसके बाद आप अपना काम कीजिए, आपका जो खास काम है यानी जो कर्तव्य आपका, उस कर्म को ही धर्म मान करके करिए। सिर्फ कर्म कांड या पाठ पूजा ही करते रहे तो उससे किस किस को नुकसान होगा? देश को, समाज को उतना मजबूत नहीं हो सकता। तो इस तरह से कहने का आशय ये कि बहुत सारी बातें रह गई और गुलेरी का निबंधकारों में अप्रतिम स्थान रहा। अब समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते धर्म और समाज निबंध भारतीय धर्म के बरक्ष पाश्चात्य से तुलना की गई है। पाश्चात्य धर्म किस तरह से एक सीमा निर्धारित करता है और हम ये देख सकते हैं कि निबंधकारों के विचार, विषय और शैली हम दो उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे शुक्ल जी का निबंध एक करुणा और करुणा में लिखते हैं, करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। और गुलेरी जी इस निबंध में लिखते हैं, जैसे वृक्ष का धर्म जड़ता, पशु का धर्म पशुता कहलाती, वैसे मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। धर्म और समाज में इस तरह से वो विचार व्यक्त करते हैं, ये इनकी इस तरह की शैली हुई। चलिए अब आपका निबंध और निबंध को लेकर के निबंध की प्रक्रिया, यहां तक कि धर्म और समाज जो चंद्र